नमस्ते स्तुति, नमस्ते अंकित, नमस्ते मधु। तो तत्काल आप लोग ये बताएं कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है और क्या मैं आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा हूं। जल्दी से बताएं इस बात ताकि हम लोग क्लास को आगे बढ़ा सकें। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? हेलो राम, मधु, अच्छा दिव्या, चलिए बढ़िया है। मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है, बहुत दिनों से आप लोगों का कहना यह था कि सर उत्तराखंड पर कुछ अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व कर दिया जाता, तो मुझे कुछ क्वेश्चन मिल गए, कुछ नहीं 100 क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो 100 क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस एक्ट से हैं, मैं आप लोगों को सॉल्व करा देता हूँ। मैं आप लोगों से पोल नहीं करूँगा, आप लोगों की ओपिनियन नहीं लूँगा, क्योंकि अगले एक घंटे के भीतर ही हम लोग उस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और ये भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो उसको दिमाग में थोड़ा सा बैठाना है, उसको रिवाइज करते रहना है, ताकि आपकी जो 21 तारीख को परीक्षा होने वाली है उसमें आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो। तो चलिए ये बताते हैं कि ये अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म है, और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, और ये प्लेटफॉर्म देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है। और इसलिए भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ के एजुकेटर क्वालिफाइड होने के साथ साथ आपके लिए मेहनत भी बहुत करते हैं, और मेहनत करते हैं तो रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आता है। रेशियो सक्सेस का सबसे ज़्यादा यहाँ से है, तो ये सारी खासियत है इस प्लेटफॉर्म की। राम नमस्ते, थैंक यू, थैंक यू दिव्या, थैंक यू। हाँ चलिए, ये आप जानते ही हैं कि अन अकेडमी पर दो तरीके के क्लासेस चलती हैं, और यहाँ पर मैं बता दूं कि स्पेशल क्लासेस भी अन अकेडमी पर होती है और एक प्लस क्लासेस होती हैं। स्पेशल क्लासेस वो क्लासेस हैं जो बिल्कुल फ्री में सबके लिए उपलब्ध होती है, किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, और प्लस क्लासेस वो होती हैं जिनके लिए सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत होती है। यानी अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं तो वो प्लस के क्लासेस तक आपकी एक्सेस नहीं हो पाती है। अब बताते हैं कि स्पेशल क्लास में क्या है। सारे एजुकेटर में की फ्री की क्लासेस उपलब्ध होती हैं, आपको मेरी भी बहुत सारी क्लासेस उस पर उपलब्ध हैं। स्पेशल क्लास यानी जो फ्री की क्लास है, उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाना जस्ट शुरू किए हैं कल से, तो कॉन्ट्रैक्ट की क्लासेस चल रही हैं शाम को 9:30 से, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। प्लस क्लास में जैसा कि सब्सक्रिप्शन उसके लिए ज़रूरी होगा, प्लस क्लासेस में हमारी क्लासेस 8 बजे शाम से होती हैं, तो आप उसे भी अटेंड कर सकते हैं। और यूट्यूब की क्लास 6:30 बजे से रहती है, तो हालांकि ये पर डे नहीं रहती है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो फ्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि एक सेट अभी बचा हुआ है 21 नवंबर वाला राजस्थान जुडिशियल सर्विस के लिए, बाकी क्लासेस हो चुकी हैं। रैपिड रिविजन सीरीज चल रही है इस प्लेटफॉर्म पर, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। T20 मार्क टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं, सुबह 9 से 9:30 बजे तक चलता है। अब बात करते हैं कि आखिर सब्सक्रिप्शन लेने के चार्जेस क्या हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेने के चार्जेस से पहले ये कि सब्सक्रिप्शन कितने समय का लिया जा सकता है, तो ये आपके डिस्क्रिप्शन पर है कि आप कितने समय का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कोई भी प्लान चुन सकते हैं। और अगर आप कोई भी प्लान चुनते हैं तो इंस्टॉलमेंट में भी फी पेमेंट करने की सुविधा है। और इतना ही नहीं, अगर आप इस कोड का प्रयोग करते हैं जो कि राय लाइफ मेरा कोड है, और अगर आप इस कोड का प्रयोग करेंगे तो 10% की डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिल पाएगी। तो ये है सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अन अकेडमी जुडिशियरी का यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये क्लास कर पा रहे हैं, और ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर इससे जुड़ने के लिए आपको UA यानी अन अकेडमी UA जुडिशियरी धर्मेंद्र, इस
तरीके से आप इसको चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। गुड इवनिंग दीक्षा, गुड इवनिंग बाल मुकुंद। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन पर। जैसा कि मैंने बताया ही था कि पुलिस एक्ट के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, और पुलिस एक्ट के क्वेश्चन जो है वो हिंदी में है, तो इंग्लिश वालों को थोड़ी सी असुविधा हो सकती है इस बात से, लेकिन हिंदी में ही मुझे मिल पाया तो इसलिए मैं हिंदी के ही सॉल्व करा रहा हूँ। जल्दी जल्दी सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 के इन्फोर्समेंट डेट क्या है। उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 की इन्फोर्समेंट डेट क्या है? तो ये होगी 4 जनवरी 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको इसमें से ये छांटना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यह अधिनियम समस्त उत्तराखंड राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को लागू होता है। चूंकि बेटा ये एक्ट हम लोगों ने बहुत पढ़ा तो है नहीं, तो इसलिए इसको ट्रांसलेट कर पाना बड़ा कठिन होगा अंशिका। तो यह अधिनियम समस्त उत्तराखंड राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को लागू होता है। यह अधिनियम उत्तराखंड राज्य के बाहर तैनात उसके राज्य पुलिस बल पर भी लागू होता है। यह अधिनियम राजस्व पुलिस क्षेत्र को छोड़कर समस्त उत्तराखंड राज्य पर लागू होता है। उपरोक्त बी और सी दोनों सही, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये। कौन सा कथन असत्य है? यह अधिनियम समस्त उत्तराखंड राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को लागू होता है, ये बात गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में न्यूनतम कितने थानों का होना अपेक्षित है। अधिसूचित वृत्त में न्यूनतम कितने थानों का होना आवश्यक है? तो इसके लिए ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल अधिवर्षता के अधीन रहते हुए न्यूनतम कितने वर्षों का होगा? राज्य के पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल अधिवर्षता के अधीन रहते हुए न्यूनतम कितने वर्ष का होगा? ऑप्शन है आपके पास 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। सही ऑप्शन इसमें से क्या होगा? ऑप्शन होगा 2 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि पुलिस विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति मूल रूप से किस प्राधिकारी में निहित है। कौन से विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति, स्पेशल पुलिस ऑफिसर कौन नियुक्त करता है? तो ये करते हैं मंडलायुक्त में, जिला मजिस्ट्रेट में, पुलिस अधीक्षक में और पुलिस निरीक्षक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और पुलिस अधीक्षक यानी SP, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। वेरी गुड अंकित। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत राज्य पुलिस बोर्ड के कृत्यों का उल्लेख किया गया है? उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा के अंतर्गत राज्य पुलिस बोर्ड के कृत्यों का, कृत्य मतलब उसके कार्य, उसके फंक्शन का उल्लेख किया गया है? धारा 35, 36, 37 और 38। ये है धारा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधीक्षक द्वारा एक आरक्षी को उसके किसी अवचार के लिए दंडित किए जाने पर उक्त दंडादेश के विरुद्ध अपील संस्थित हो सकेगी। कहां अपील होगी? क्या है? एक आरक्षी को उसके किसी मिसबिहेवियर के लिए, मिसकंडक्ट के लिए पनिश किए जाने पर उस दंडादेश के विरुद्ध अपील कहां की जाएगी? ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं
सामान्यतया पुलिस अधिकारी की थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनाती न्यूनतम कितनी समयावधि के लिए होती है? सामान्यतया किसी पुलिस अधिकारी की थाने प्रभारी अधिकारी के रूप में, थाना इंचार्ज के रूप में न्यूनतम कितनी समयावधि के लिए संरक्षित की गई? इसका ऑप्शन है 2 माह, 6 माह, 1 माह और 1 वर्ष और 2 वर्ष। क्या सही ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन है 1 वर्ष। ये तो क्वेश्चन पिछले एपीओ में पूछा भी था। ये क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत पुलिस की भूमिका, कृत्य एवं कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया? निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत पुलिस की भूमिका, उसके कृत्य और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? वो धारा कौन सी है? वो धारा है 39, सेक्शन 39 में ये सारी बातें बताई गई। दीपांशु नमस्ते। एक और बात मैं बता दूं बच्चों, देखिए मैं पुलिस एक्ट का टीचर तो हूं नहीं, लेकिन क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूं, इसके जो आंसर हैं, हो अगर मान लीजिए कहीं कोई गलती है तो उसके लिए मुझे आप जिम्मेदार मत बताइएगा, क्योंकि ये मैं किसी न किसी गाइड से इसको स्कैन करके आप लोगों को बता रहा हूं, तो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो ये न मत समझिएगा कि देखिए सर गलत बता रहे हैं, है ना। वैसे आंसर सही ही होंगे, क्योंकि जहां से मैंने इसको कॉपी किया है वो ऑथेंटिक है और वहां गलतियां नहीं होती हैं। बाकी लॉ में ऐसी कोई बुक नहीं बनी जहां कोई गलती ही ना हो, कोई गाइड ऐसी नहीं बनी। तो अगर भाई मिसप्रिंट हो या कुछ हो ऐसा, तो वैसे होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के प्रयोजनार्थ प्रत्येक पुलिस अधिकारी निरंतर ड्यूटी पर समझा जाएगा। ऐसे पुलिस अधिकारी को किसी भी समय राज्य के किसी भी भाग में तैनात किया जा सके। यह तैनाती न केवल राज्य के भीतर अपितु राज्य से बाहर भी की जा सकती है। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी कथन असत्य। अब इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन, क्योंकि सभी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी से एक साधारण डायरी रखने की अपेक्षा व्यक्त की गई है? क्या है ये? पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी एक साधारण डायरी रखने की अपेक्षा की गई है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए पर ये देख लीजिए और फिर उसके बाद इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस आयु वर्ग का व्यक्ति ग्राम रक्षक के रूप में भर्ती किए जाने के लिए पात्र होगा? ग्राम रक्षक के रूप में नियुक्त होने की आयु कितनी है? और ये है ऑप्शन 18 से 35, 20 से 50, 25 से 35 और 30 से 60। और इसका सही ऑप्शन है 30 से 60। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सामान्यतया ग्राम रक्षक में सूचीबद्ध किसी व्यक्ति की पदावधि होगी? सामान्यतया ग्राम रक्षक में सूचीबद्ध किसी व्यक्ति की पदावधि होगी, ये 3 साल होगी। नेक्स्ट, ग्राम रक्षक के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपके पास, पढ़ लीजिए क्योंकि समय ज्यादा लगेगा मैं बताऊंगा तो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा के अंतर्गत ग्राम रक्षकों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है? ग्राम रक्षक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 57,
58, 59 और 60। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धारा 59 के अंतर्गत। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, गंभीर अवचारों के लिए पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जन शिकायतों की जांच करने हेतु उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 में निम्नलिखित के गठन की व्यवस्था की गई। क्या गंभीर अवचारों के लिए पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जन शिकायतों की जांच करने के लिए उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित में से किसके गठन की व्यवस्था की गई? पुलिस अधिष्ठान समिति, के राज्य पुलिस बोर्ड, के राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। इसमें सही ऑप्शन जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अच्छा मैं कोशिश करता हूं, देखता हूं कि कहां उसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पुलिस कल्याण ब्यूरो का प्रधान निम्नांकित पद से निम्न स्तर का पुलिस अधिकारी नहीं होगा। पुलिस कल्याण ब्यूरो का प्रधान, इसमें से कौन से पद से नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं होगा? और ये आंसर हो जाता है पुलिस उप महानिरीक्षक से नीचे का अधिकारी नहीं। ऐसा करिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है, आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 कि पुलिस अग्निशमन दल या किसी अन्य आवश्यक सेवा को झूठा अलार्म लगाकर गुमराह करने वाले व्यक्ति के लिए उत्तराखंड पुलिस अधिनियम ने किस प्रकार का दंड भेजा? झूठा अलार्म लगाकर किसको, पुलिस को चाहे अग्निशमन दल को या किसी अन्य आवश्यक सेवा को परेशान करना है, तो ये कौन सी धारा में, अरे कितना पनिशमेंट है इसके लिए? इसके लिए है न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1000 रुपये की फाइन लगती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर नशे में धुत तथा दंगा करते हुए पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त पुलिस अधिकारी द्वारा विहित न्यूनतम राशि की धनराशि जमा करने पर इस अपराध का घटना स्थल पर ही शमन कर सकता है। किसको, जो सार्वजनिक स्थल पर नशे में धुत दंगा करते हुए पाया जाता है तो कितना फाइन लगा सकता है? संपूर्ण, आधी, एक तिहाई, एक चौथाई, तो 21 का हो जाएगा आपका आधी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 कि किसी जिले में विधि और व्यवस्था के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य सरकार एवं विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने का दायित्व मूल रूप से किस अधिकारी पर अधिरोपित किया गया? कौन सा है, जिले में विधि व्यवस्था के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य सरकार एवं विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने का दायित्व मूल रूप से किस अधिकारी को सौंपा गया? मंडलायुक्त पर, जिला मजिस्ट्रेट पर, पुलिस अधीक्षक पर, पुलिस उप महानिरीक्षक पर? इसका जिला मजिस्ट्रेट। पुलिस वर्दी के अनाधिकृत उपयोग को किस धारा के अधीन एक पृथक दंडनीय अपराध के तौर पर घोषित किया गया? पुलिस वर्दी के अनाधिकृत उपयोग की बात की गई और इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन नंबर 84। नेक्स्ट, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 में कुल कितनी धाराएं, कुल कितनी धाराएं हैं इसमें? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 48 धाराएं।
यदि कोई पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 194 द्वारा अपेक्षित प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण में बिना किसी विधि सम्मत कारण के विफल रहता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा के अंतर्गत पुलिस महानिदेशक को राज्य सरकार के अनुमोदन से इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त? ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 में कुल कितने अध्याय? 11। नेक्स्ट, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? इस प्राधिकरण का प्रमुख कृत्य, अब इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा बड़ा है, आप पढ़ लीजिए, फिर उसके हिसाब से मैं थोड़ी देर रुक के इसका आंसर बता देता हूं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये, मतलब ये कथन असत्य है। नेक्स्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए। क्या किसी ऐसे व्यक्ति को ग्राम रक्षक के रूप में भर्ती किए जाने से इनकार किया जा सकता है जिसके विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक आरोप से संबंधित कोई मामला विचारणी चल रहा है? इसका ऑप्शन दे दीजिए, इसका ऑप्शन देख लीजिए। अब मैं सी और डी ऑप्शन भी दिखा देता हूं आपको। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार अपराधी पक्ष से पीड़ित पक्ष की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सहायता स्वरूप समुचित उपाय भेद कर सकती है? और इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की कौन सी धारा राज्य सरकार से यह अपेक्षा व्यक्त करती है कि वह यथाशीघ्र मानव अधिकार संरक्षण के उपाय के तौर पर साक्षियों के संरक्षण के लिए नियम बनाए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर डी। ये इतना बड़ा कौन पढ़े? अच्छा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 32। किसी मकान, दुकान, सार्वजनिक परिसर का स्वामी पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में इस आशय की अपेक्षा व्यक्त करने वाला कोई आदेश प्रकाशित होने के बावजूद भी कि वे विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अपने किराएदार या घरेलू नौकर का विवरण प्रस्तुत करें, पूर्वोक्त विधि सम्मत आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो ऐसी स्थिति में उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर कितना दंड दिया जा सकता है? आपके सामने ऑप्शन है, 100 रुपये जुर्माना, 1000 रुपये जुर्माना, 10000 रुपये जुर्माना, असीमित जुर्माना। इसमें से कितना हो सकता है? इसका 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन कि पुलिस कर्मियों के लिए वर्दी, पद चिन्ह व सज्जा विहित करने का अधिकार किसे दिया गया है? इसका अधिकार राज्य सरकार को।
कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से विमुख नहीं, अपने पद के कर्तव्यों से विमुख नहीं होगा, यह प्रावधान उपबंधित है उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की निकिस धारा के अंतर्गत, धारा 44 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि पुलिस रेंज में पुलिस बल का प्रशासन निम्नांकित पद से निम्न स्तर के अधिकारी में विहित नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक। अच्छा बच्चों ये बताइए कि कितने परसेंट क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, कितने परसेंट क्वेश्चन आपका आंसर सही हो रहा है, अभी तक जो क्वेश्चन सवाल आपने किया है उसमें से कितने परसेंट आपके सही हो रहे हैं। अंकित बालमुकुंद बताइए इसका आंसर। पुलिस अधिकारी शब्द को उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा के अधीन परिभाषित किया गया, पुलिस अधिकारी, ये है ऑप्शन नंबर सी 30%। अच्छा और भाई बताइए आप लोगों की क्या स्थिति है। कि पुलिस बल से संबंधित सभी मामलों में अधीक्षण की शक्तियां दी गई, पुलिस बल से संबंधित सभी मामलों में अधीक्षण की शक्तियां दी गई, किसे दिया गया है, इसका सही आंसर होगा राज्य सरकार। समस्त उत्तराखंड राज्य के पुलिस बल का प्रशासन राज्य सरकार के समग्र नियंत्रण के अधीन किस अधिकारी में निहित होगा, समस्त उत्तराखंड राज्य के पुलिस बल का प्रशासन राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किस प्राधिकारी में निहित होगा, और ये हो जाएगा पुलिस महानिदेशक। उत्तराखंड राज्य के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाइयां मुख्यतः भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन संचालित की जाएं, पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाइयां है ना, पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्शन आर्टिकल 311 के अंदर। नेक्स्ट, पुलिस अधीक्षक निम्नांकित स्तर के अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को कारण लेखबद्ध करने के उपरांत निलंबित कर सकता है, इसका सही ऑप्शन है ए बी तो सत्य है किंतु सी असत्य है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक की पदावधि अधिवर्षता के अधीन रहते हुए न्यूनतम कितने वर्षों की होगी, न्यूनतम कितने वर्षों की होगी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुलिस बोर्ड प्रत्येक वर्ष के अंत में गत वर्ष के दौरान किए हुए अपने कार्यों तथा पुलिस बल के कार्यों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य सरकार के समक्ष। उसके आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कि किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी निम्नांकित पद से निम्न स्तर पर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी है पुलिस उपनिरीक्षक। नेक्स्ट है कि सशस्त्र पुलिस इकाइयों के सृजन के बारे में प्रावधान किया गया है, सशस्त्र पुलिस इकाई के बारे में, ऑप्शन नंबर सी यानी धारा 13। नेक्स्ट है कि राज्य पुलिस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य के गृह मंत्री। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, किसी व्यक्ति को राज्य पुलिस बोर्ड के स्वतंत्र सदस्य के तौर पर कितनी समयावधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है? स्वतंत्र सदस्य के तौर पर राज्य पुलिस बोर्ड कितनी समयावधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2 साल। पुलिस अधिष्ठान समिति के अध्यक्ष होंगे ऑप्शन नंबर ए राज्य पुलिस के महानिदेशक। नेक्स्ट उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की निम्नलिखित धाराओं में से लावारिस चल संपत्ति को पुलिस अधिकारी के द्वारा अपने कब्जे में ले लिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है कौन सी धारा के अंतर्गत? ये धारा है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पुलिस अधिकारियों को बिना राज्य सरकार के विशिष्ट एवं लिखित अनुमति के अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी अन्य नियोजन या कार्यालय में कार्य करने से प्रतिषिद्ध किया गया, ये कौन से धारा में है? और ये है धारा 43 के अंदर। नेक्स्ट कर लेते हैं जल्दी से, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है बच्चों कि मैं इतना जल्दी कर रहा हूं फिर भी ज्यादा समय लग जा रहा है। अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता तब तो फिर ये क्वेश्चन इतने हो ही नहीं पाते। चलिए थोड़ी सी स्पीड हम लोग ज्यादा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, सार्वजनिक स्थलों पर संगीत एवं ध्वनि संयंत्रों के प्रयोग को विनियमित करने की शक्ति किसके पास नहीं, किस पुलिस अधिकारी को प्रदत्त की गई? हाँ ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डोर बंद कर दीजिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 52 के अधीन किसी मार्ग, गली या आम रास्ते पर कोई जुलूस अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा आयोजित करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस विषयक निम्नलिखित को सूचित करे, किसको सूचित करे? सबको, डीएम को, एसपी को और थाने को भी सूचित करना है। नेक्स्ट है, ग्राम रक्षकों की भर्ती किसके द्वारा की जाती है? ग्राम रक्षक की भर्ती किसके द्वारा की जाती है? तो पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, कि ग्रामीण क्षेत्रों में भर्ती किए गए ग्राम रक्षकों को मासिक वेतन दिया जाता है कि अवैतनिक कार्यकर्ता होने के कारण इसके लिए किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं है? और जेब खर्च इत्यादि की व्यवस्था नहीं की गई, ऐसा मानदेय और जेब खर्च का भुगतान किया जा सकता है जो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाए, उपर्युक्त सभी कथन असत्य नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के किस अध्याय में विशिष्ट रूप से पुलिस की जवाबदेही के बारे में प्रावधान किया गया? अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 और अध्याय 8, इसमें से सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा अध्याय 8। ग्राम रक्षा दल के निर्माण हेतु कतिपय स्थानीय सम्मानित व्यक्तियों के एक समूह को संगठित करने की अधिकारिता किसे दी गई? ग्राम रक्षा दल के निर्माण हेतु स्थानीय सम्मानित व्यक्तियों के एक समूह को संगठित करने की अधिकारिता किसे दी गई? पुलिस अधीक्षक। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा के अंतर्गत सामुदायिक संपर्क समूह के गठन के बारे में प्रावधान किया गया? सामुदायिक संपर्क समूह के गठन के बारे में किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धारा नंबर 61। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि कितने वर्षों की निर्धारित की गई?
ऑप्शन ए एक वर्ष, बी दो वर्ष, सी तीन वर्ष और डी चार वर्ष। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी तीन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें से ध्यान दीजिएगा, गलत स्टेटमेंट को चुनना है। गलत स्टेटमेंट को चुनना है कि कोई भी व्यक्ति, बालमुकुंद कैसे हिंदी में समझ जा रहे हो भाई? समस्या समाधान को तो मैं नहीं जानता कि हिंदी में वाले हैं कि इंग्लिश वाले, लेकिन अंकित तो हिंदी वाले हैं। तो कोई भी व्यक्ति राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह लोक सेवक के रूप में कार्य कर रहा है, किसी पुलिस सैन्य अथवा संबद्ध संगठन में कार्यरत है, किसी निर्वाचित पद पर कार्य कर रहा है जिसमें सांसद या विधायक या स्थानीय निकाय का सदस्य भी सम्मिलित है, उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक। इसमें से कौन सा असत्य कथन है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, असत्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट निम्नांकित में से किसके समक्ष रखी जाएगी? राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके समक्ष रखी जाएगी? ऑप्शन आप पढ़िए, उसका सही ऑप्शन हो जाएगा राज्य की विधानसभा के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए और बी पढ़ लीजिए, तो मैं सी दिखा दूं आपको। ये है आपके बाकी के क्वेश्चन ऑप्शन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 61। यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस कार्मिक के विरुद्ध उसके द्वारा कारित किसी औचार के संबंध में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के समक्ष कोई शिकायत दर्ज कराता है, तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता के क्या क्या अधिकार होंगे? इस बारे में प्रावधान कहां किया गया? इसके लिए कहां उपचार किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 74, अरे सेक्शन नंबर 74, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 2B में परिभाषित पशु शब्द के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन पशु सम्मिलित नहीं है? कौन पशु सम्मिलित नहीं है? तो इसका है कुत्ता। कुत्ता सम्मिलित नहीं है पुलिस एक्ट के पशु शब्द के अंतर्गत। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के निम्नांकित में से किस धारा के अंतर्गत पुलिस जिला नामक पदावली को परिभाषित किया गया? पुलिस डिस्ट्रिक्ट को किस में डिफाइन किया गया? तो इसका लिए ये 2ढ है, और आज तक मैं ये नहीं समझ पाया ये बी सी डी और क ख ग घ में, अब इसमें इतना तो बी सी डी कर ही देना चाहिए था इसमें। ये तो हमको विश्वास है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे उन्हें भी ढ तो नहीं समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के पुलिस मुख्य पुलिस अधिकारियों की न्यूनतम पदावधि किस प्रावधान द्वारा सुनिश्चित की गई? उत्तराखंड राज्य के मुख्य पुलिस अधिकारियों की न्यूनतम पदावधि किस प्रावधान द्वारा सुनिश्चित की गई? 64 नंबर क्वेश्चन है और सही ऑप्शन होगा 28 नंबर सेक्शन। आज बड़े बड़े क्वेश्चन है ना बच्चों, तो मैं बिल्कुल आप लोगों की राय ओपिनियन ले ही नहीं पा रहा हूं, और सोच रहा हूँ कि भाई लिमिटेड टाइम के भीतर सारी चीज़ें खत्म हो जाए, तो इसलिए आप लोगों को भी बर्डन तो पड़ ही जा रहा होगा, लेकिन अब करेंगे क्या है? अब 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कल दो चार दिन तो 3 दिन बाद परीक्षा है, तो इसको एक बार कर लीजिएगा, फिर एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, तो बहुत हद तक मदद मिलेगी, क्योंकि पुलिस एक्ट से 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं, और आपने पहले से भी बेयर वगैरह पढ़ा ही है, तो उतने से बहुत मदद मिल जाएगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, कि निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? देख लीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें ये नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन।
देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना तभी आप कर पाएंगे, आपके क्वेश्चन अगर आप सही नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा तो इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन बने हैं वो आईएएस लेवल के ज्यादातर मामलों में है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, और सही नहीं है स्टेटमेंट को बताने के लिए आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही ऑप्शन क्या आप बता रहे हैं? इसका सही ऑप्शन होगा पुलिस महानिदेशक राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का सदस्य होगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट आप ये थोड़ा सा देख लीजिए, आप बाकी के ऑप्शन में दिखा दूंगा ऊपर होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी न्यूनतम पदावधि 2 वर्ष, ये देख लीजिए बी सी और डी में इसमें से कौन सा सही नहीं था सुमेलित, देख लिया। अब इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ 1 ईयर था ना। अब हमको देखिए जानकारी नहीं है एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं वो 1 ईयर होना चाहिए था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कर लीजिए कि पुलिस अधिकारी द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा के लिए शास्तियां उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा में किया गया, क्या है पुलिस अधिकारी की कर्तव्य की उपेक्षा के लिए पेनाल्टी के बारे में प्रोविजन किस धारा में किया गया, इसके लिए कौन सी धारा आपके हिसाब से लग रही है, ये है सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्या एक ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी अभिरक्षा में ले लेना विधि सम्मत होगा जो कि जानबूझकर एवं एक सार्वजनिक स्थल पर परेशानी खतरा या उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाली अफवाहें फैलाता और तत्पश्चात घटनास्थल पर अपराध का समन करने में असफल रहता है, ये बताइए इसमें क्या सही ऑप्शन होगा 69 का। बिल्कुल बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते। नेक्स्ट, अनियंत्रित आचरण के अपराध के लिए दंड उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की किस धारा में, किस प्रकार के अनियंत्रित आचरण के अपराध के लिए दंड किस धारा में है ये, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी धारा 81 के अंतर्गत। सेवेंटी वन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 82 की क्लास 4 के अधीन समन्वय हेतु खाली स्थान है से निर्देश प्राप्त होने पर सभी संबंधित विभागाध्यक्ष जिले के पुलिस अधीक्षक को पूर्ण सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करें। अब यहाँ खाली स्थान में क्या होगा आपके हिसाब से, ये होगा डीएम, समन्वय हेतु डीएम से निर्देश प्राप्त होने पर सभी संबंधित सहायता करना सुनिश्चित करें। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं 72। निम्नांकित में से किसे यह अधिकारिता प्राप्त है कि वह प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में आदेश प्रकाशित कराकर प्रत्येक मकान दुकान सार्वजनिक परिवार स्वामी से यह अपेक्षा कर सके कि वह विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अपने किराएदार घरेलू नौकर का विवरण प्रस्तुत करे, किसे अधिकारिता प्राप्त, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पुलिस अधीक्षक ऐसा कर सकता। नेक्स्ट 73, यहां भी खाली स्थान है, कि किसी व्यक्ति से जो किसी धन संबंधी लाभ के लिए ऐसा कोई भी व्यवसाय जलसा प्रदर्शनी विक्रय मनोरंजन इत्यादि आयोजित करता है जिसमें लोक सुरक्षा के प्रयोजन के लिए या लोक शांति या व्यवस्था बनाए रखने के अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की आवश्यकता हो तो ऐसा उपयुक्ता प्रभार उद्ग्रहित कर सकेगा जो विहित किया जाए। अब आपको बताना है
यहाँ पर क्वेश्चन था ना कि सहायता से इत्तेमाल, यहाँ पुलिस अधीक्षक हो जाएगा मुझे लगता है, पुलिस अधीक्षक। इसमें ऑप्शन क्या हो जाता है? हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जिला पुलिस अधीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई सूचना प्रस्तुत करना किसी भी पुलिस अधिकारी का उत्तरदायित्व तो हो, यह प्रावधान किया गया है उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की कौन सी धारा के अंतर्गत? किसी क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट की समक्ष सूचना प्रस्तुत करना किसी भी पुलिस अधिकारी का उत्तरदायित्व तो होगा, यह प्रावधान किस धारा में है? तो यह धारा होगी 45 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सार्वजनिक स्थानों के आरक्षण और अवरोध निर्माण करने की शक्ति मूल रूप से किस अधिकारी में नहीं है? सार्वजनिक स्थानों के आरक्षण और रिजर्व करने और अवरोध निर्माण करने की शक्ति किस अधिकारी में नहीं है? इसका सही ऑप्शन है पुलिस अधीक्षक। सार्वजनिक स्थलों पर संगीत तथा ध्वनि, सार्वजनिक स्थलों पर संगीत तथा ध्वनि संयंत्रों के प्रयोग को विनियमित कर किए जाने की व्यवस्था भेद की गई है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा के अंतर्गत? 77 का सही ऑप्शन हो जाएगा धारा 51। नेक्स्ट है, मोटर चालकों, साइकिल चलाने वालों और पैदल चलने वाले व्यक्तियों इत्यादि के लिए यातायात को सुव्यवस्थित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक मार्गों और गलियों के उपयोग को विनियमित करने हेतु समय समय पर निर्देश जारी करने की शक्ति किसे दी गई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुलिस अधीक्षक। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा के अंतर्गत किसी साक्षी को एक संरक्षित साक्षी के तौर पर घोषित किए जाने के लिए आवेदन दिया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन नंबर 54 का क्लास नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 80, ग्राम रक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह ध्यान रखिएगा और ए बी और सी डी पढ़िए। ग्राम रक्षक के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इसके लिए आपको ए बी सी ये ऑप्शन है और यहाँ पे डी है, इसको पढ़िए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट था उसमें। क्वेश्चन नंबर 81, जिले की आंतरिक सुरक्षा योजना तैयार की जाएंगी, जिले की आंतरिक सुरक्षा योजनाएं तैयार की जाएंगी, क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? ये है ऑप्शन नंबर सी, संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से आंतरिक सुरक्षा योजनाओं का आवश्यकता अनुसार कितनी समय अवधि उपरांत पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन किया जाएगा? आंतरिक सुरक्षा योजनाओं का कितने समय बाद पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन किया जाएगा? सही ऑप्शन आपके सामने है, कम से कम एक वर्ष में एक बार, दो वर्ष में एक बार, तीन वर्ष में एक बार, चार वर्ष में। तो इसका सही ऑप्शन है 3 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 83, सार्वजनिक व्यवस्था और संपूर्ण राज्य की सुरक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु, सार्वजनिक व्यवस्था और संपूर्ण राज्य की सुरक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु आंतरिक सुरक्षा योजनाएं बनाई जाएंगी किसके द्वारा? आपके सामने ऑप्शन है, राज्य के पुलिस महानिदेशक द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, और राज्य के पुलिस महानिदेशक द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से, और ऑप्शन डी है
उपरोक्त में से कोई। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के पुलिस महानिदेशक द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन। नेक्स्ट कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना किस प्रकार की हो, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना किस प्रकार होगी। यह है सही ऑप्शन, एक अध्यक्ष तथा अधिकतम चार अन्य सदस्यों से मिलकर बने। यह है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, इसमें से फिर देखिए मतलब गजब लेवल का ही क्वेश्चन है, 50% तो कोई भी नहीं सही कर पाएगा मुझे लगता है। असत्य विकल्प को चुनिए, इसमें से फिर गलत है कि पुलिस की जवाबदेही वाले अध्याय में गंभीर अवचार से संबंधित किसी पुलिस अधिकारी का ऐसा कोई कार्य विपरीत है जिसके कारण उस पर निम्न प्रकार के आरोप लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं कि पुलिस की जवाबदेही वाले अध्याय में गंभीर अवचार से किसी पुलिस अधिकारी का ऐसा कोई कार्य विपरीत है जिसके कारण उस पर निम्न प्रकार के आरोप लगाए जा सकते हैं, विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी या विरोध, विधि सम्मत आदेशों की अवज्ञा, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, भ्रष्टाचार। तो 85 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, विधि सम्मत आदेशों की अवज्ञा गंभीर औचार के अंतर्गत आता है, ये बात गलत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 86 है आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान चुनिए। अब ये प्राधिकारी हैं, यहां उस पर एडजस्ट करिए, जैसे पुलिस अधीक्षक अपने पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन पुलिस अधिकारियों एवं अन्य कर्मियों के लिए कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी। अब जो हमने एक नाम बोला है क्या वही सही है या कोई अन्य, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा कि पुलिस महानिदेशक जिम्मेदार होगा, पुलिस महानिदेशक अपने पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन पुलिस अधिकारियों एवं अन्य कार्मिकों के लिए कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी मंडल में विधि और व्यवस्था के प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए जहां कहीं भी अपेक्षित हो निम्नांकित के द्वारा राज्य सरकार तथा विभिन्न अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा, किसके द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी न होते हुए भी अप्राधिकृत रीत से पुलिस की वर्दी या उसके समान दिखने वाला पोशाक, उक्त बंदी का कोई विशिष्ट चिन्ह धारण करता है तो उसे उसका दोष सिद्ध होने पर क्या दंड दिया जाएगा। दबंग अगर कोई बनता है तो उसे कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, 6 माह का अधिकतम कारावास या 5,000 रुपये का अधिकतम जुर्माना या दोनों। ये और इसी तरीके से लोक सेवकों के प्रतिरूपण को आईपीसी की धारा 170 में भी पनिशमेंट दिया गया है, पोशाक पहनना कपटपूर्ण आशय से 171 में पनिश किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्ति किसको प्रदत्त की गई। नियम बनाने की शक्ति इस एक्ट में किसको है, राज्य सरकार। नेक्स्ट, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 द्वारा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित में से किस अधिनियम को निरसित किया गया। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूं, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 द्वारा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित में से किस अधिनियम को निरसित किया गया। पुलिस अधिनियम 1861, ये तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नांकित विकल्पों की सहायता से, धैर्य बस थोड़ी देर रखना है, अब क्वेश्चन खत्म है,
क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो अब बहुत कम बचे हुए। निम्नलिखित विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। यदि कोई पुलिस अधिकारी ड्यूटी के समय नशे की हालत में पाया जाता है तो उसे कितने माह के वेतन के बराबर की अधिकतम धनराशि के से या अधिकतम कितने माह के कारावास से या दोनों से दंडित किया जाए? इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3 महीने का वेतन कटेगा और 3 महीने का कारावास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए फिर वही बात, सत्य नहीं है मतलब असत्य कथन को खोजना है। 92 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु विनियम अनिवार्यतः राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे? नहीं, अनिवार्यतः राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे, ये स्टेटमेंट पहला ही गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। अब ये क्वेश्चन ले लीजिए, 93 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 39 के अंतर्गत पुलिस की सामान्य ड्यूटी में निम्नांकित में से कौन सा कृत्य सम्मिलित नहीं? पढ़िए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, कौन सा उसके सामान्य ड्यूटी में कृत्य सम्मिलित नहीं है? गजब का पेपर है भाई साहब। इसका जन साधारण के बीच प्रचार प्रसार द्वारा नैतिक मूल्यों का संवर्धन करना, ये नहीं है उसमें, तो ये गलत ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 94 है कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस धारा के अधीन पुलिस थानों के सृजन के बारे में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं? पुलिस थानों के सृजन के बारे में प्रावधान कौन सी धारा में किया गया? ये तो आप लोग पढ़े होंगे, पुलिस थानों का सृजन धारा 7 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जाएगी? निम्नलिखित की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जाएगी, किसकी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सबकी। जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी, ग्राम रक्षक की, प्रभारी अधिकारी की, विशेष पुलिस अधिकारी की, सबकी। 96 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में पुलिस अधिकारियों को दी जा सकने वाली अनुशासनिक शास्तियों का उल्लेख किया गया? मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन, 2007 के निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में पुलिस अधिकारियों को दी जा सकने वाली अनुशासनिक शास्तियों का उल्लेख किया गया? यह हो जाएगा 96 का डी, सेक्शन नंबर 23। नेक्स्ट, असत्य कथन को चुनिए। 97 का पढ़िए, फिर उसमें गलत स्टेटमेंट चुनना है कि यदि कोई पुलिसकर्मी अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान सम्यक जांचोपरांत किसी औचार का दोषी पाया जाता है तो उसे निम्नांकित में से कोई दंड दिया जा सकेगा, क्या? सस्पेंशन उसका हो सकता। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, रेलवे क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन किस प्रकार संचालित होगा? इस विषय आवश्यक प्रावधान उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की किस धारा में किया गया? रेलवे क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन किस प्रकार संचालित होगा, ये कौन सी धारा में इसके लिए प्रावधान है? ये 98 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेक्शन 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, जहां पर स्वयं पुलिस महानिदेशक ने किसी पुलिस अधिकारी के प्रति कोई दंडादेश पारित किया है तो वहां इस आदेश के विरुद्ध अपील कहां होगी? राज्य सरकार। क्वेश्चन रिपीट करिएगा, राज्य पुलिस महानिदेशक ने किसी पुलिस अधिकारी के प्रति कोई दंडादेश पारित किया है तो वहां इस आदेश के विरुद्ध अपील कहां होगी? राज्य सरकार के पास। चलिए
ऑप्शन नंबर, अरे क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है ये इस सेशन का, कि अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों का एक रेंज दूसरी रेंज में स्थानांतरण निम्नांकित का प्रमुख कृत्य है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? एक रेंज का दूसरे रेंज में स्थानांतरण किसका कार्य? ये बताइए, राज्य पुलिस बोर्ड, राज्य अधिसूचना विभाग, पुलिस अधिष्ठान समिति, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण। इसका सही ऑप्शन होगा पुलिस अधिष्ठान समिति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये है पूरे 100 क्वेश्चन पुलिस एक्ट के। इसको एक बार नहीं, एक से अधिक बार जरूर, जैसे अगली बार आप पढ़ेंगे तो उसकी स्पीड यूट्यूब पर पढ़ा लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और टफ क्वेश्चन है। इतना आसान नहीं है कि सब लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि जितना अधिक से अधिक टफ बनाया जा सकता था उतना टफ क्वेश्चन है। तो इसको जरूर रिवाइज करिएगा, बिना रिवाइज किए इसको सिर्फ एक बार में आप नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ में आया हो। तो चलिए, थैंक यू, आप लोग इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे। एक चीज और मैं बता दूं, हो सकता है कि इसकी इन्फोर्समेंट डेट बेयर से देख लीजिएगा, हो सकता है कि मैंने जो इन्फोर्समेंट डेट बताया इसमें जो दिया हुआ था, हो सकता है कि उसमें थोड़ी गलती हो, ठीक है? तो इसमें इन्फोर्समेंट डेट थोड़ा सा देख लीजिएगा आप अपने बेयर एक्ट से। तो वो जरूर मिला लीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट सा हो रहा है, लेकिन नहीं लग तो सही रहा है, तो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? आप भी कंफर्म कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्या मैं अब जा सकता हूं? ठीक है बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं फिर कल। कल भी आप लोगों को मैं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस और सारे सब्जेक्ट के मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगा साल यूट्यूब पर ही। और इतना ही नहीं, बल्कि वो आपको उत्तराखंड पुलिस एक्ट में तो काम करेगा ही करेगा, उसके अलावा वो आपको काम करेगा राजस्थान जुडिशियल सर्विस भी, जो आने वाली परीक्षा है उसमें भी, और जितनी भी परीक्षाएं लॉ से जुड़ी होती हैं उसमें सब में। तो आज अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए ठीक है फिर।